हे दोस्तों, आपको पता है फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस की अकेले की नेटवर्थ पूरे के पूरे ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी ज्यादा है। जेफ बेजोस की पर मिनट की अर्निंग लगभग 1.7 करोड़ रुपीज है, और इस वीडियो के खत्म होने से पहले तक जेफ बेजोस इतना अर्न कर चुके होंगे जितना कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा पाएंगे। अब मैं ये सब बोल के किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि जेफ बेजोस एक लिविंग प्रूफ है। अगर आपके पास एक लर्निंग माइंडसेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, बोथ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, तो आप भी एक सेल्फ मेड मिलियनर बन सकते हो और एक रॉयल फैमिली से भी ज्यादा अमीर बन सकते हो। देखो, आज के टाइम पे दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बट हम आज भी एजुकेशन को बस एक इवेंट की तरह देखते हैं कि स्कूल गए, कॉलेज गए, अच्छे मार्क्स लेके आ गए, जॉब कर ली, बस खत्म। बट हम कुछ स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको पता है दुनिया में आज जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है उनमें से एटलीस्ट 50% जॉब्स बस पिछले 25 साल में क्रिएट करी गई है, और एक एवरेज पर्सन अपने करियर में 7 से भी ज्यादा जॉब्स बदलता है। नाउ अगेन, ये सब मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो उसको छोड़ के कुछ नया करने लग जाओ बार बार, नहीं, उससे फायदा नहीं होने वाला है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लर्निंग एटीट्यूड रखना, सीखते रहना, वो भी दो इम्पोर्टेंट चीज, एक कुछ हार्ड स्किल्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में, किसी भी एज के होने के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे बड़े बड़े लोगों की तरह। इसलिए याद रखो, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर एक लर्निंग माइंडसेट हो, और उसके बाद आपको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। नाउ जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, स्किल्स दो टाइप्स की होती है, एक हार्ड स्किल्स और दूसरी सॉफ्ट स्किल्स। एक तरफ मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो लोग सिर्फ हार्ड स्किल्स पे फोकस करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो लोग बस सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर दोनों स्किल्स होना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो लोग के अंदर मैक्सिमम टाइम आप देखना ये दोनों स्किल्स होती है। अब हार्ड स्किल्स क्या होती है? देखो, हार्ड स्किल्स यूजुअली वो होती है जिसका यूज करके आप एक्चुअली काम करते हो अपने पोजीशन के हिसाब से। जैसे अगर आप एक शेफ हो तो कुकिंग आपकी एक हार्ड स्किल है, या अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो तो बैठ के कोडिंग करना आपकी हार्ड स्किल है। नाउ इन स्किल्स पे यूजुअली स्कूल्स एंड कॉलेजेस ज्यादा फोकस करते हैं, जो अच्छा है। और अच्छी बात ये भी है कि आज के टाइम पे ये स्किल्स सीखना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट स्किल जो होती है ना, वो नॉर्मल डे टू डे बेसिक स्किल्स होती है, जो कई बार आप अच्छे से मेजर नहीं कर सकते हो, बट वो काम की बहुत होती है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बार यूजुअली सर्टिफिकेट ये सब नहीं मिलते हैं, बट इसका एक्चुअल सर्टिफिकेट आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर, आपके माइंडसेट में शो होता है, जो कई बार हार्ड स्किल से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए आज मैं आपके साथ 10 ऐसी स्किल्स शेयर करूंगा जिनमें से 5 होगी हार्ड स्किल्स और 5 सॉफ्ट स्किल्स, जो बहुत डिमांड में है, जिसे अगर आप सीख लोगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्किल नंबर 1 ऑफ हार्ड स्किल, डिजिटल मार्केटिंग प्लस सॉफ्ट स्किल, इन्फ्लुएंसिंग एंड पर्सुएशन स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये स्किल सच में आज बहुत ट्रेंड में चल रही है। और ट्रेंड में होने का रीजन देखो ये है कि आज के टाइम पर शॉपिंग से लेकर एजुकेशन तक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। इनफैक्ट आपको पता है, एक एवरेज पर्सन हर दिन 2 घंटे 24 मिनट तक सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स पर स्पेंड करता है। मतलब बोल सकते हो बहुत सारा अटेंशन लोग सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, इंटरनेट पे दे रहे हैं। इसलिए हजारों ब्रांड्स इस ऑनलाइन अटेंशन को पाने के लिए फाइट कर रहे हैं, और यही अटेंशन अचीव कराने में हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटर्स, जहां मार्केटर्स अपने स्किल्स का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ। यहां पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल, फेसबुक एड्स और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसका यूज किया जाता है। अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि फ्यूचर में और भी कई सारे बिजनेसेस आते ही रहेंगे, टेक्नोलॉजीज आते रहेंगी, जो सब लोग कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं, और बेचने के लिए उन्हें चाहिए लोगों का अटेंशन, जो मैक्सिमम आजकल इंटरनेट पे है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड आज भी बहुत है, और जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक इसकी डिमांड रहेगी ही रहेगी। सेकेंड सॉफ्ट स्किल है इन्फ्लुएंसिंग, पर्सुएशन। देखो दोस्तों, आपको हर दिन हर टाइम पे किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी इंसान को डील क्रैक करने के लिए इन्फ्लुएंस करना हो, किसी के साथ टाइम बिताने के लिए उसे इन्फ्लुएंस करना हो, किसी से कोई फेवर लेना हो, अपने बॉस को इम्प्रेस करना हो, कुछ बेचना हो, तो ऐसे हर एक टाइम पे आपको पर्सुएशन और इन्फ्लुएंसिंग की स्किल चाहिए होगी, जहां आप बोल सकते हो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा सकते हो वहां पे, बट हाँ, फॉर सम गुड रीजंस, चाहे फिर वो आपके टीम मेंबर्स हो, आपकी फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी हो। नाउ इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर एक बहुत ग्रेट बुक है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप वो जाकर जरूर चेकआउट करना। थर्ड स्किल आती है हार्ड स्किल, जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। 1990s में जब इंटरनेट आया था, तब कई सारी वेबसाइट्स बन रही थी, लोग धीरे धीरे इंटरनेट पर शिफ्ट होने लग गए थे, और आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि इंटरनेट के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। थोड़े टाइम भी नेट नहीं चलता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए हैं नेट पे। नाउ देखो, बात यह है कि ब्लॉकचेन जो है ना, उसे नया इंटरनेट बोला जा रहा है। ये काफी नया है, लोग तेजी से इसकी तरफ जा रहे हैं, और ये एक्सपांड भी हो रहा है।
और बहुत ज्यादा चांस है कि आने वाले टाइम में इतना हिट हो जाएगा कि लोग इसके बिना भी अपनी जिंदगी बिता नहीं पाएंगे। बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टोकरेंसी जो भी चल रहा है, एनएफटी जो सारी चीजें चल रही है, ये सारी चीजों के पीछे क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना पावर है कि ये पूरे करंट फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है और बहुत सारी चीजों में बहुत हेल्प कर सकता है लोगों की, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखना, इससे रिलेटेड कुछ हार्ड स्किल्स रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चौथी स्किल सॉफ्ट स्किल है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। आज के टाइम पे लोगों का अपना टाइम मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं। इसलिए ये स्किल आपके करियर के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इवन फिजिकल हेल्थ, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है, जो चीज पैसे से भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा टाइम। और अगर हम इस सबसे इंपॉर्टेंट एसेट को ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसे बर्बाद करते रहेंगे, तो इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं तो कहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कुछ सच में सीखना ही चाहते हो ना, जो आप इजीली सीख भी सकते हो, तो वो स्किल टाइम मैनेजमेंट जरूर होगी। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारी ग्रेट बुक्स है, ईट दैट फ्रॉग, गेटिंग थिंग्स डन, जिनके ऊपर मैंने समरीज भी बनाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पांचवी स्किल जो कि एक हार्ड स्किल है, वो है रिलेटेड टू डेटा साइंस। देखो, आपको पता ही होगा कि डेटा को न्यू ऑयल भी बोला जाता है, बहुत से लोग इसे डिजिटल ऑयल भी बोलते हैं। जो इस ऑयल की वैल्यू को समझता है, इसके पीछे के साइंस को समझता है, उससे रिलेटेड स्किल्स एक्वायर करता है, उसकी आज मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत पैसा कमा रही है। देखो, आज के टाइम पे सब कुछ डेटा ड्रिवन हो चुका है, डेटा का यूज ऑलमोस्ट हर फील्ड में किया जा रहा है। डेटा का यूज करके, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा बिकेगी, कौन किसको वोट देगा, कौन कहाँ है, कब क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, ये सारी चीजें हो पा रही है मशीन लर्निंग AI के हेल्प से। लोग लिटरली इंसानों को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, उनके मूव्स प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं डेटा को एनालाइज करके। मार्केटिंग में भी डेटा का बहुत ज्यादा यूज होता है राइट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है डेटा से रिलेटेड, इसलिए डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज को ऐसे बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ रही है, जो उनके पास जो डेटा है उसका यूज करके प्रोसेसेस को और एफिशिएंट बना सके और पैसे बनाने में हेल्प कर सके। इसलिए ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्किल भी सीख लेते हो, तो इससे भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो। छठी स्किल जो कि सॉफ्ट स्किल है, वो है वर्क एथिक एंड मोटिवेशन। देखो, जो एक चीज मुझे लगता है जो सक्सेसफुल लोगों को एक एवरेज पर्सन से अलग बनाती है, वो होता है एक एक्सेप्शनल वर्क एथिक। फॉर एग्जांपल, इलॉन मस्क रेगुलरली दिन के 10 से 16 घंटे काम करते हैं। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। नाउ ये चीज कई हद तक सही है, अगर आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ मिलाते हो तो। ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि आपको कोई भी स्किल्स का मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, और अगर आप कोई भी स्किल को 10,000 आवर तक प्रैक्टिस कर लो, तो आप उसमें मास्टरी अचीव कर सकते हो, जो चीज फिर आपको बड़ी बड़ी चीजें करने में हेल्प करेगी, जो चीज आपको वर्ल्ड क्लास बना देगी। इसलिए ये बात को समझते हुए आपको याद रखना है कि हार्ड वर्क करने से कभी भी डरो मत, हमेशा मोटिवेटेड रहने की कोशिश करो। आप किसी भी फील्ड में रहो, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर एक स्ट्रांग वर्क एथिक रहेगा ना, लोग अगर आपके स्ट्रांग वर्क एथिक से इंप्रेस होना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका वर्क एथिक इतना अच्छा है, आप बराबर टाइम पे आते हो, अच्छे मेहनत से काम करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो, तो ये चीज हर इंसान को बहुत अच्छी लगती है। ये चीज आपके कलीग्स को मोटिवेट करेगी, आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगी, इनफैक्ट यूनिवर्स को भी ये चीज बहुत पसंद आती है, जिसके बाद यूनिवर्स भी आपको रिटर्न में बहुत कुछ देता है। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखो कि आपको एक अच्छा वर्क एथिक रखना है और मोटिवेटेड रहना है लाइफ में। नाउ अगली स्किल्स पे जाने से पहले, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है और अगर आप बहुत सारी हार्ड स्किल्स को सीखना चाहते हो, तो आपने अपग्रेड के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। अपग्रेड एक ऑनलाइन हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप कई वैल्यूबल हार्ड स्किल्स सीख सकते हो। देखो, आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग क्या होता है कि अपने स्कूल कॉलेज में बिजी होते हैं, या फिर जॉब में बिजी होते हैं, या किसी ना किसी चीज में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से वो और कुछ नई चीजें सीख नहीं पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और हमारा भी इस तेजी से चेंज होती हुई दुनिया के साथ कदम मिला के रखना बहुत जरूरी है। नई नई स्किल सीखना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ हम पुरानी चीजों पे डिपेंड होके नहीं कर सकते हैं, इसलिए नई चीजों का यूज करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपग्रेड इसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अपग्रेड एक नई चीज है जो नई तरीके से आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कई सारे अलग प्लेटफॉर्म्स की तरह ये आपको सिर्फ ऑनलाइन कोर्स नहीं देता है, बल्कि यहाँ पे आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जैसे कि IITs, बाहर अब्रॉड की कई सारी यूनिवर्सिटीज जैसे डीकिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ड्यूक यूनिवर्सिटी, और भी कई वर्ल्ड की टॉप 1% यूनिवर्सिटी से फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो अपग्रेड का यूज करके, वो भी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी के सपोर्ट के साथ। लाइक एग्जांपल, अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हो, तो आप अपग्रेड पे यूनिवर्सिटी ऑफ अरिजोना या IIT मद्रास जैसी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी से डेटा साइंस के प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हो। और सिर्फ डेटा साइंस ही नहीं, अपग्रेड आपको कई सारी स्किल्स सीखने का चांस भी देता है, MBA से लेकर डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, AI, ब्लॉकचेन, और भी कई सारी हाईली डिमांडेड स्किल्स यहां से आप सीख सकते हो, जो चीज आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा बूस्ट देगी। इनफैक्ट कई लोगों को एवरेज 50% तक का सैलरी हाइक मिला है इसकी वजह से। सो अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यूबल स्किल्स को सीखना चाहते हो,
तो नीचे दिया हुए लिंक से जाके आप अपग्रेड के कोई भी कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट हार्ड स्किल पे, जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिसेंटली एक न्यू स्किल की तरह सामने आया है, पर एक्चुअली में ये हार्ड स्किल आपके कई सारी अलग अलग स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन है। जहां आप एक प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, उसके बारे में कई सारे डिसीजंस लेते हो, उस प्रोडक्ट का डिजाइन, फीचर्स, प्राइस, सब कुछ आपके हाथ में होता है। जहां आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत यूज होता है। आप ऐसा मान सकते हो कि आप उस प्रोडक्ट के सीईओ हो, जहां सारे फाइनल डिसीजंस आपके हाथ में होते हैं। ये स्किल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप ये सीखते हो कि एक प्रोडक्ट, चाहे वो डिजिटल हो या फिर फिजिकल, उसे क्रिएट कैसे करा जाता है। और ऑब्वियसली फ्यूचर में कई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते ही रहेंगे, इसलिए अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है और इसमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं। प्लस अगर आप बिजनेस करने का भी सोचते हो तो भी ये स्किल आपको बहुत काम में आएगी। इनफैक्ट सच तो ये है ना कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको एक असली कंपनी में सीईओ भी बना सकता है। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं तो जो यूट्यूब की सीईओ है सुजैन, वो भी पहले गूगल एडसेंस की प्रोडक्ट मैनेजर ही थी। और साथ ही गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी गूगल में अपना करियर एक प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट से ही शुरू किया था, जहां वो गूगल के टूलबार को मैनेज करते थे। नेक्स्ट आती है सॉफ्ट स्किल, जो है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स को बहुत से लोग मैनेजमेंट स्किल्स के साथ कंफ्यूज करते हैं। देखो, एक मैनेजर होना एक जॉब टाइटल है, जहां आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं जिन्हें आपको मैनेज करना होता है, ये चेक करना होता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक लीडर होना कोई टाइटल नहीं है, लीडरशिप बस कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। एक लीडर होने का मतलब है कि आप लोगों को अपने अंडर रखकर नहीं, बस उन्हें सुपरवाइज करके नहीं, बल्कि उन्हें गाइड करते हुए साथ में काम करते हो, अपनी पूरी टीम के साथ एक गोल को चेस करते हो, सबको मोटिवेटेड रखते हुए। और ये छोटा सा डिफरेंस इंसान में होना कई बार जिंदगी में कई बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद ही नोटिस करना, कई बार क्या होता है ना, लोग सेम एजुकेशन के साथ, सेम क्वालिफिकेशन के साथ, सेम हार्ड स्किल्स के साथ कुछ काम करने जाते हैं, बट स्टिल एक इंसान को जल्दी प्रमोशंस मिलते हैं, वो जल्दी लाइफ में ज्यादा अच्छा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप की स्किल होती है जो मैक्सिमम लोगों में देखने नहीं मिलती है, इसलिए आपके अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए। अब आते हैं लास्ट हार्ड स्किल पे, जो है कोडिंग। इंडीड के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। और आज के टाइम पर जहां कंप्यूटर्स की क्वांटिटी इंसानों के बराबर होती जा रही है, इसीलिए आपके लिए उनकी लैंग्वेज सीखना भी बहुत जरूरी है। जैसे इंसानों की लैंग्वेज में इंग्लिश बहुत ज्यादा डिमांड में है, वैसे कंप्यूटर्स की भी लैंग्वेज होती है, जिनके अंदर कई सारी लैंग्वेजेस बहुत डिमांड में होती है, जिसे अगर आप सीख लोगे तो आप कंप्यूटर के साथ अच्छे से बात कर पाओगे, उससे कई सारे काम करवा पाओगे, जो आप नहीं सीखोगे तो नहीं करवा पाओगे। देखो, आज के टाइम पे कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो चुकी है, जो अगर आप सीख लेते हो तो आप कई सारी चीजों से अचीव कर सकते हो, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कंप्यूटर्स पे। हमारे हर काम आप बोल सकते हो ना कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए हैं। इनफैक्ट अगर किसी भी रीजन के जैसे कंप्यूटर्स, इंटरनेट को कुछ भी हो जाएगा तो पूरी दुनिया स्टॉप पे आ जाएगी, लोग कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस इंपॉर्टेंट चीज को समझते हुए अगर आप कंप्यूटर्स की लैंग्वेज सीख लेते हो तो ये चीज भी आपको बहुत पैसे कमाने में हेल्प कर सकती है, और ये हार्ड स्किल एक्चुअली डिमांड में भी बहुत रहेगी जब तक के कंप्यूटर्स है, जो मुझे लगता है आने वाले बहुत टाइम तक रहेंगे ही रहेंगे। लास्ट सॉफ्ट स्किल जो आपके अंदर होना जरूरी है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये भूल जाते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। हम अपने आप को रोबोट की तरह ट्रीट करने लगते हैं और दूसरों को भी, कि हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और कई सारे रूल सेट कर देते हैं और उनसे हटके कुछ भी चीजें नहीं करना चाहते ना करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। देखो, याद रखो, ह्यूमंस लॉजिकल क्रिएचर नहीं बल्कि ज्यादा इमोशनल क्रिएचर है, जो हमेशा जब भी एक्शन लेता है वो इमोशंस के बेसिस पे लेता है, ना कि हमेशा लॉजिक के बेसिस पे। देखो, आप याद रखो, आप जितने भी लोगों के साथ काम करते हो ना, वो लोग कोई कंप्यूटर नहीं है, वो लोग रोबोट्स नहीं है। हाँ, रोबोट कंप्यूटर्स को कोडिंग करके कंट्रोल किया जा सकता है, बट इंसानों को नहीं। अगर आप इंसानों के साथ अच्छे से काम करना चाहते हो, इंसानों को प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, उनके साथ मिलकर कुछ बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हो, तो इमोशंस को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ह्यूमन इमोशंस को समझे, उसे हैंडल किए, आप कभी भी बड़ी बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि लोग कब खुश होते हैं, कब सैड होते हैं, कब मोटिवेटेड होते हैं, किस चीजों से मोटिवेटेड होते हैं, क्यों काम करते हैं, क्यों काम नहीं करते हैं, ये सारी चीजें इमोशंस की वजह से होती है। और कई बार आप बोल सकते हो कि ये सारी चीजें समझना ही सक्सेस की चाबी जैसी है। जो चीजें अगर सच में आप समझ लेते हो, इसकी इंटेलिजेंस आप बढ़ा लेते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ करवा सकते हो लोगों से। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी बुक समरी बनाई है, उसके वीडियो के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ टू एंड, अगर आप अपग्रेड से जितनी भी मैंने स्किल्स ऊपर बताई है, वो सारी हार्ड स्किल्स और ऐसी कई सारे अमेजिंग हार्ड स्किल्स सीखना चाहते हो, तो उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी अपने करियर को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अपग्रेड के हेल्प से। नाउ अभी मैं जितने भी स्किल्स आपको बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ कि उनमें से कौन सी स्किल्स आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ वो कौन सी स्किल है जो मैंने मिस कर दी है, जो मुझे इसमें डालना चाहिए था। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसी अमेजिंग अमेजिंग बातें सीखना चाहते हो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, बुक्स की बातें बिना बुक्स पढ़े अगर आप चाहते हो कि फ्री में आपको सीखने मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हर संडे आपके लिए कुछ बुक समरीज, कुछ अमेजिंग बातें लाता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।